हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफायर्स। एंड मैं हूं हर्षित, एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं डब्ल्यूटीएफ सीरीज का लेक्चर 6, जो कि होने वाला है ज्योग्राफी का सॉइल रिसोर्स चैप्टर। तो चलो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एंड बेसिकली हु एम आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर इन क्लैरिफायर्स एंड मेन होस्ट ऑफ नेक्सस चैनल। तो अगर तुम नेक्सस चैनल के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ, नेक्सस चैनल इज अ न्यू वेंचर बाय क्लैरिफायर्स। इसमें क्लास 10 रिलेटेड काफी बढ़िया और अमेजिंग कंटेंट आ रहा है। थोड़ा सा हमारे चैनल से डिफरेंट भी कंटेंट आएगा एंड मैं भी उसमें होस्ट कर रहा हूँ। उसमें काफी सारे तुम्हें नए फेसेस दिखेंगे, क्लास 12 के पास आउट, कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कि तुम्हें क्लास 10 के बेस्ट टिप्स देने वाले, एंड जो टॉपर्स इस साल निकले वो भी तुम्हें उसमें टिप्स देने आएंगे। तो उस चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर रखना, काफी तुम्हारे लिए मजेदार चीजें आने वाली है। उसमें 3 वीडियोस ऑलरेडी जा चुके, तुम उसमें मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर तुम लोग इन सारी जितने भी लेक्चर की स्लाइड चाहिए तो उसका वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं अपने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर तुम्हारे लिए ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट जाते हैं, बढ़िया बढ़िया पीडीएफ जाते हैं। उनको जरूर से डाउनलोड कर लो अपने फोन में और स्लाइड से पढ़ो, मस्त अपनी हिस्ट्री से भी जाओगी। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल रिसोर्स में। सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल आती है तुम्हारी अलुवियल सॉइल। दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेड अलुवियम ब्रॉट बाय द रिवर्स एंड दे सपोर्ट द मैक्सिमम शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। देखो ये जो तुम्हारी सॉइल है ना, ये तुम्हारी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेड अलुवियम होती है, जो कि रिवर्स लाती है, ठीक है। एंड ये मैक्सिमम शेयर सपोर्ट करती है जो भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी सपोर्ट करती है, ऑयल सॉइल्स वहीं पर रहती है, ठीक है। दीज सॉइल्स वेरी फ्रॉम लाइट टू डार्क इन कलर। इनका कलर याद करना, देखो मैं चाहता हूँ हर सॉइल का कलर होगा, ठीक है। तो उनके कलर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है तुमसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लें या फिर नेम कॉलिंग के फॉर्म में पूछ लें। तो थोड़ा सा ध्यान दिमाग में रखो, वैसे कोई बार पढ़ लिया कि लाइट टू डार्क में कौन सी एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रहेगा जैसे रेड सॉइल रेड में होगी, तो एज एन तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ये चीज। तो इसको याद कर लेना, तुम्हारे लिए फायदा होगा पेपर में, बाई चांस क्वेश्चन बनेगा तो नंबर नहीं जाएंगे, ठीक है। इन अपर कोर्स ऑफ द रिवर एलुवियम इज मोर कोर्स देन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। दे आर रिच इन पोटेश एंड ह्यूमस। देखो पोटेश और ह्यूमस में काफी ज्यादा रिच होते हैं, एंड फॉस्फोरस में डिफिशियंट होते हैं, एंड नाइट्रोजन में भी, एंड ये फर्टाइल होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। और ये जो भी इरीगेशन होते हैं, मतलब जो भी तुम्हारा लाइक हार्वेस्टिंग होता है क्रॉप्स की और जो उगाना होता है क्रॉप्स को, तो वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इरीगेशन की सबसे ज्यादा बढ़िया सॉइल होती है, ठीक है। और ये रबी और खारिफ क्रॉप दोनों के लिए सबसे बढ़िया होती है, एंड इसमें क्या क्या उगा सकते हो तुम, राइस, वीट, जूट, शुगर केन, मिलेट्स, पल्सेस एक्सेट्रा आर कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन अलुवियल सॉइल। देखो इसमें से तुम लोग 3 एग्जाम्पल याद कर लो। देखो राइस और वीट तुम्हें ऐसे याद रहेगा, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। और बाकी पल्सेस याद करते तो दाल चावल, तो राइस पल्सेस, तो ये तुम्हारे लिए 3 एग्जाम्पल लेंगे। 3 एग्जाम्पल लिखा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, नंबर कहीं नहीं कट रहे तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कौन कौन से रीजन में ये सॉइल पाई जाती है। द एरियाज वेयर दे आर फाउंड आर ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड द डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। यहाँ पे कावेरी लिखा, इसमें कावेरी लिखा हुआ है, बस कावेरी है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाई जाती है और डेल्टाज में पाई जाती है। डेल्टाज ऑफ कौन कौन से रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो इनको याद कर लेना, डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो दैट आंसर इज अलुवियल सॉइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो सॉइल होते हैं तुम्हारी, तो इनको तुम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तुम्हारी सबसे पहले आती है यंग खादर सॉइल, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, पूछ सकते हैं वॉट आर यंग खादर सॉइल एंड वॉट आर ओल्ड भंगार सॉइल, ठीक है। तो यंग खादर सॉइल की सबसे पहले देख लेते हैं। दीज सॉइल्स आर न्यू एलुवियम ऑफ सैंडी पेल ब्राउन कंपोजिशन फाउंड इन द लोअर एरियाज ऑफ वैली बॉटम विच आर फ्लडेड एवरी ईयर। और ओल्ड भंगार सॉइल तुम्हारी क्या होती है, दीज सॉइल कंसिस्ट ऑफ ओल्डर एलुवियम एंड आर ऑफ क्ले कंपोजिशन एंड डार्कर इन कलर। दीज सॉइल आर कोर्स इन नेचर एंड कंटेन कंकर्स, पेबल्स एंड ग्रेवल्स, ठीक है। ये तुम्हारी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ठीक है। जो तुम्हारी यंग खादर सॉइल होती है, ये न्यू एलुवियम होती है, ठीक है, एंड ये लोअर एरियाज में पाई जाती है, वैली बॉटम्स में, वैली की बॉटम्स में पाई जाती है, ठीक है। जो तुम्हारी ओल्ड भंगार सॉइल्स होती है, ये तुम्हारी डार्क कलर में होती है, इनमें क्ले का ज्यादा कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। और इनमें मोस्टली ना कंकर, जो कंकर इसमें लिखा हुआ, कंकर पेबल्स और जो पत्थर होते हैं वो मिले होते हैं, ठीक है। तो इनमें तुम्हारी डेफिनेशन एक ही पूछ सकते हैं, चांसेस हैं। तो इन दोनों को अच्छे से याद करना, डेफिनेशन ईजी डेफिनेशन, छोटी छोटी स्लाइड से पढ़ोगे, बुक का कंटेंट छोड़ के स्लाइड से पढ़ो, बेटर है, तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है, फीजेबल पड़ेगा, आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल्स, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लैक सॉइल्स आर फॉर्म बाय द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन रॉक। देखो ये तुम्हारे जितनी भी वॉल्केनिक ओरिजिन रॉक्स होते हैं ना, उनकी वेदरिंग और उनका इरोजन होता है, उसकी वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर और ब्लैक कॉटन सॉइल्स, एज कॉटन इज इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल्स ऑफ इंडिया। दे रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी एंड व्हेन वेट एंड गेट क्रैक व्हेन ड्राई ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रॉट सॉइल। देखो भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा पॉइंट है, जितनी मैंने पढ़ा, ठीक है, कि इसमें कॉटन ग्रो होता है। ये क्वेश्चन तुमसे आंसर पूछेंगे, इन विच सॉइल कॉटन इज ग्रोन, ठीक है, तो वो आंसर होने जो है ब्लैक सॉइल। इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन रिपीट हुआ मेरे टाइम के बोर्ड्स में भी आया था, तो याद कर लेना, ठीक है, कि तुम्हारा जो कॉटन होता है वो किसमें होता है ग्रो, ब्लैक सॉइल में। और बाकी इसमें मॉइस्चर होता है, स्टिकी हो जाती है जब ये वेट होती है, ठीक है, एंड क्रैक्स पड़ जाते हैं जब ये सॉइल ड्राई हो जाती है, ठीक है। एंड इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इनको सेल्फ प्लॉग सॉइल बोला जाता है, ये नाम याद कर सकते हो इनका। बाकी तुम्हारा मेन कॉटन वाला पॉइंट है जो कि मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दस दीज आर वेरी यूजफुल इन एरियाज वेर इरीगेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जहाँ पे इरीगेशन नहीं पॉसिबल होता वहाँ पे यूजफुल हो जाती है, क्योंकि ये खुद की सेल्फ प्लॉट सॉइल होती है, ठीक है।
दीज सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, आयरन, पोटैश, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम. ये इन सब में रिच होती हैं. दे आर डिफिशियंट इन फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. हाई फर्टिलिटी एंड रिटेनिबिलिटी ऑफ मॉइस्चर. द ब्लैक सॉइल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट क्रॉप. देखो इसमें से तुम्हारा जितना मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट तुम्हारा कलर और क्रॉप से कौन कौन से क्रॉप इसमें ग्रोन होते हैं. ठीक है, तो क्रॉप्स का देख लेते हैं. इसमें कॉटन, शुगर केन, वीट, टोबैको, राइस, ज्वार, मिलेट्स, ऑयल सीड्स लाइक लिनसीड एंड सनफ्लावर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. देखो काफी सारे एग्जाम्पल है. मैं कहूंगा चार चार या तीन तीन एग्जाम्पल हर एक सॉइल के आपके लिए सबसे बेनिफिशियल तुम्हारे सबसे बढ़िया है. ठीक है, ऐसे नहीं पूछ रहे भाई इन विच सॉइल मिलेट्स आर ग्रोन. ये तो भाई वही अंदर बता पाएगा जिसने एकदम ही घुस के जोग्राफी पढ़ाओ. मगर इतना टाइम तुम्हें नहीं देना जोग्राफी में, मेरे लेक्चर से उठाओ, 1.5x स्पीड पर लगाओ. ठीक है, एंड स्लाइड्स उठा लो, स्लाइड से पढ़ो, जो चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको मार्क कर लो या क्वेश्चन वहाँ पे बना के लिख लो कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, मैं अभी आगे और करवा दूंगा, मैं तुमको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा. सबसे बेस्ट तरीका है ज्योग्राफी हिस्ट्री से भी पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. ठीक है, तो डेको प्लेटन, जो डेकन प्लेटो तुम्हारा होता है ना, उसके पार्ट्स में पाई जाती है, जिसमें तुम्हारा क्या क्या आता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ये तुम्हारे चार पांच स्टेट्स हैं, इनके रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है. ठीक है, वेयर वोल्केनिक रॉक्स ऑफ डेकन ट्रैप आर फाउंड, मतलब जहाँ पे डेकन ट्रैप के जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं ना, जहाँ पे वो मिलते हैं, वहीं पे तुम्हें ब्लैक सॉइल मिलेगी. ठीक है, एज इट इज मेनली फाउंड इन दीज मॉडरेट रेनफॉल एंड टेम्परेचर रीजन, द सॉइल डज नॉट गेट लीज. इसमें लीज, ये लीज नहीं होती है क्योंकि ये मॉडरेट रेनफॉल के वो उसमें रीजन में पाई जाती है ब्लैक सॉइल तुम्हारी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ हमारी चैंपियंस बैच के बारे में. तो चैंपियंस बैच बेसिकली तुम्हारा 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है. इसमें हमारे जो मास्टर चीफ ऑफ क्लैरिफाइड हो, तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो कराने वाले. एंड प्रणय भाई तुम्हारे इसमें पीसीबी लाइव पूरा कराने वाले. ठीक है, एससीजी के तुम्हारे लेक्चर्स प्रणय भाई के डालेंगे उसमें. ठीक है, एंड उसमें डाउट सेशन है, मेंटोर सेशन मैं लूंगा इसमें सारे, प्लस इसमें कंप्यूटर्स भी बनाने, कंप्यूटर्स के डाउट सेशन मैं खुद लूंगा. इसमें तुम्हारी टॉपर सी टेस्ट सीरीज है, मेंटोर सेशन है, काफी सारी चीजें. बेसिकली तुम्हारा अक्टूबर के एंड तक 2 बार 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा. एंड तुमको पता भी नहीं चलेगा तुमने कब 10th का सिलेबस 2 बार खत्म कर लिया, रिवाइज भी कर लिया. एंड वो अपनी पूरी पूरी क्लास से काफी आगे निकल चुके हैं इतनी प्रैक्टिस और अच्छे सेलेक्टिव और प्रीवाइक्यूज लगाने के बाद. ठीक है, एंड इसकी प्राइसिंग जस्ट 9,000 रुपीज. मगर डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ काउंसलर का नंबर दिया, यानी इनरोलमेंट फॉर्म दिया है. अगर तुम वो फॉर्म भरते हो तो हमारे काउंसलर तुम्हें सामने से कॉल करेंगे एंड तुम्हें काफी तगड़ी डील लेने वाले इस कोर्स के ऊपर. एंड अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक नहीं कम्प्लीट हुआ, तुम काफी ज्यादा बैकलॉग लेके या लैग बिहाइंड कर रहे हो, अभी के अभी इनरोल कराओ, तुम्हारी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी इसमें अक्टूबर एंड तक. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो अगला आता है रेड सॉइल. देखो सबसे पहले तुम्हारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में दिमाग में आ रहा है कि भाई इसका कलर रेड हो, चलो आप पढ़ते हैं कि रेड कलर है कि नहीं है. दिस सॉइल्स आर फॉर्मड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक. देखो ये जो एंशियंट क्रिस्टलिन और मेटामॉर्फिक रॉक होते तुम्हारे, उनकी जो वेदरिंग होती है ना, उसकी वजह से ये फॉर्म होती है. ठीक है, रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई आयरन कंटेंट. देखो ये तुम भाई, तो ऑब्वियस बात है, देखो रेड सॉइल है तो रेड कलर तो होगा ही, तो पता है. तो ये पूछ सकते हैं कि किसकी प्रेजेंस की वजह से इसमें रेड कलर है. तो वो तुम्हारा आता है हाई आयरन कंटेंट, इसमें बहुत ज्यादा आयरन रहता है, इसकी वजह से ये रेड हो जाता है. ठीक है, द कलर वेरीज फ्रॉम चॉकलेट ब्राउन टू येलो एज परसेंटेज ऑफ आयरन वेरीज. देखो मैंने बताया था रेड कलर में जरूरी नहीं कि हो सकती है, देखो जितना भी आयरन की क्वांटिटी है ना, उसके ऊपर कलर डिपेंड करता है कि हो सकता है चॉकलेट ब्राउन भी हो या फिर ये येलो भी हो सकती है, परसेंटेज डिपेंड करता है कि आयरन की उसमें कितनी ज्यादा है. ठीक है, दीज आर रिच इन पोटैश एंड आयरन बट लैक इन लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. दीज आर सुटेबल फॉर, देखो इसमें जितनी भी लैक करनी हो चीजें वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे क्रॉप्स है कौन कौन से क्रॉप्स इसमें ग्रो कर सकते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है. जिसमें देखो वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, टोबैको एंड ऑयल सीड्स. दीज सॉइल बिकम प्रोडक्टिव विद द यूज ऑफ सुटेबल फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन. ठीक है, तो तुम्हारे प्रोडक्टिव हो जाते हैं अगर तुम इसमें जो सुटेबल इनके लिए फर्टिलाइजर्स और होते हैं उनको यूज करो, तो तुम्हारे इरीगेशन के लिए परफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, दूसरी बता देता हूँ मैं कि इसमें देखो काफी सारे ना, जैसे वीट पहले अलुवियल सॉइल में भी तुम्हारा आता, राइस भी तुम्हारा अलुवियल सॉइल में आ रहा था. ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकती है तुम्हें. ठीक है, तो देखो यार थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन देखो मोस्टली हो सकता है कि जो तुम्हारे पर पीवाईक्यू से देख लेना. ठीक है, पीवाईक्यू में जो सॉइल रिपीट हो रही है मोस्टली हो सकता है वही चांसेस उसी सॉइल के आने के, कि कौन से क्रॉप्स आ रहे हैं इसमें. ठीक है, कौन से क्रॉप्स इसमें ग्रो कर सकते हो, तो उसी के चांसेस पूछे जाने के. मगर मैं एक और टिप दे देता हूँ तुम लोगों की, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, टोबैको एंड ऑयल सीड्स. तुम वीट और राइस को याद कर लो, वीट और राइस तुम्हारी दो तीन जगह पे साथ में काम आ जाएंगे. तो वीट और राइस को, वीट और राइस को भूलना नहीं. कॉटन तुम्हारा इसमें भी ग्रो हो सकता है, ब्लैक सॉइल में ग्रो हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अगर कॉटन का पूछेंगे तो ब्लैक सॉइल का ही पूछेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड राजस्थान. इसमें से दो तीन रीजन याद कर लेना. उतना नहीं पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ सॉलिड इज फाउंड इन झारखंड, जो कि थोड़ा सा यूनिक नेम होगा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो झारखंड में तुम्हारी रेड सॉइल पाई जाती है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आती है लैटराइट सॉइल. लैटराइट सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं. दिस सॉइल्स आर फॉर्म बाय लीचिंग अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेंपरेचर हैवी रेनफॉल विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स. देखो जो लीचिंग हो जाती है ना, कि कभी एकदम तेज बारिश हो रही है, कभी एकदम गर्मी हो रही है, ड्राई पड़ जा रहा है, कभी एकदम पूरा वेट हो जा रही है. ठीक है, तो उसकी वजह से जो लीचिंग होती है ना, तो ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, उसकी वजह से हमारी सॉइल बनती है. लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द टॉप सॉइल आर वॉश्ड अवे, देयर बाय मेकिंग द टॉप सॉइल इनफर्टाइल. लीचिंग की डेफिनेशन याद कर लेना, ये इतनी सी आदत जो मैंने बताई है. इसको अपनी अगर तुम नो स्लाइड्स लेना, अगर तुम प्रिंट आउट निकलवा रहे हो या फिर अगर तुम लैपटॉप में भी कर रहे हो, तो पीडीएफ में इसको हाईलाइट करके सेव कर लेना. लीचिंग तुम्हारी डेफिनेशन है. बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जो तुम्हारी टॉप सॉइल में जितने भी जो तुम्हारी सॉइल की लेयर होती है, तो तुम्हारी उसमें तुम्हारे जो टॉप सॉइल होती है ना, उसके तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स सारे उड़ जाते हैं. ठीक है, तो वो लीचिंग हो जाता है तुम्हारा, मतलब वो इनफर्टाइल हो गया, तुम उसमें ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, कोई भी चीज.
रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। देखो ये भी रेड इन कलर होती है, तो इसलिए कहा था मैंने कि रेड सॉइल तुम्हारी रेड इन कलर है, लेकिन वो चॉकलेट ब्राउन और येलो भी हो सकती है, आयरन की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मगर तुम्हारी लैटराइट सॉइल रेड होती है क्योंकि इनमें आयरन उनकी प्रेजेंस होती है, ठीक है। ये किसी इसमें रिच होती है आयरन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स में रिच होती है, मगर ये लाइम और सिलिका की मतलब वीक होती है, इनमें नहीं होते क्योंकि लीचिंग है भाई, लीचिंग की वजह से, ठीक है। ये नेचर में एसिडिक होती है एंड इसमें तुम मॉइस्चर रिटेन नहीं कर सकती, ये लैटराइट सॉइल है तो ये मॉइस्चर रिटेन नहीं कर सकती। एंड इसमें क्या क्या सुटेबल है, कौन कौन से क्रॉप से उगा सकती है, तो ये टी कॉफी रबर एंड कोकोनट के लिए सुटेबल है। देखो कॉफ दे आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी कॉफी रबर एंड कोकोनट। ओके सॉरी, मुझे लगा यहाँ पे कॉटन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें को टी कॉफी रबर एंड कोकोनट, ये थोड़ी सी यूनिक सॉइल है, तो उसमें याद कर सकते हो कि तुम्हारी टी कॉफी तो मतलब जो चाय वाली चीजें हैं ना वो लैटराइट सॉइल में हो गई, ऐसे तुम याद कर सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है देखो, तो ये हायर रीजन में पाई जाती है, हायर रीजन जो वेस्टर्न घाट्स होती है ना उनके हायर रीजन में पाई जाती है एंड ईस्टर्न घाट्स के, तो बेसिकली कहाँ कहाँ पे, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड केरला, एज वेल एज मेघालय एंड असम। देखो तो असम याद हो जाएगा तुम्हें कि असम में बताया, ऐसे सोचते हैं कि भाई हाँ चाय की कल्टीवेशन, तो चाय की कल्टीवेशन तो इसमें होती है, लैटराइट सॉइल में होती है, तो ऐसे तुम रिलेशन बना के याद कर सकते हो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहता है, तुम्हें यू नो एग्जाम में तुरंत क्या कर सकते हो, भाई असम लिखा यानी चाय कल्टीवेशन यानी लैटराइट सॉइल की बात हो रही, लैटराइट सॉइल की बात, ठीक है। तो ऐसे तुम चीजें याद कर सकते हो, थोड़ा सा यू नो दिमाग को यूज करो कि हाँ भाई मैं किस किस चीज से कनेक्शन बना के तीन चार चीजें एक साथ याद कर सकता हूँ। तुम्हारे सबसे बढ़िया देखो कॉटन तुम्हारा ब्लैक सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको इंफेसिस करके बता रहा हूँ, भाई इसको आता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि ब्लैक सॉइल में एक ही तुम्हारा कॉटन की बात हो रही है। एंड यहाँ पर देखो तुम्हारा असम आ रहा है, टी कल्टिवेशन आ रहा है, लैटराइट सॉइल आ रही है, तो ऐसे तीनों का रिलेशन बनाकर याद कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका तुम्हारा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, सॉइल इरोजन के बारे में देख लेते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, तुम्हारा रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेस ऑफ वेदरिंग सच एज विंड्स एंड वाटर। तुम्हारी जो टॉप सॉइल लेयर होता है वो रिमूव हो रही है, ठीक है, तो डिफरेंट एजेस की वजह से, जैसे तुम्हारा वाटर हो गया, विंड हो गया, उनकी वजह से तुम्हारी जो टॉप सॉइल उसमें कोई इफेक्ट आ रहा है, तो वो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसकी डेफिनेशन छोटी सी इतनी सी लिख के आता है, काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉजेस पूछ सकते हैं, कॉजेस पे बस तुम ऐसे पॉइंट्स भी लिख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा तुमको एक्सप्लेन करें तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। देखो सॉइल इरोजन बाय विंड, विंड ज्यादा तुम्हारा ब्रॉड फ्लैट लैंड जो भी होते हैं उसकी वजह से विंड से मतलब तुम्हारी सॉइल उड़ी जा रही है, ठीक है, काफी गंदी गंदी चीजें आ जा रही है, इनफर्टाइल हो जा रही है, मॉइस्चर लैक कर जा रही है, मॉइस्चर तुम्हारा लैक कर जा रहा है विंड की वजह से, तो ये होता है, ठीक है। मेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो मेन भाई इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, बिल्डिंगे बना रही, तो भाई टॉप सॉइल रिमूव हो रही है, सॉइल गायब भी हो जा रही है, भाई बिल्डिंग खड़ी करते सॉइल बची कहा रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लॉइंग हो गया, कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया, तो ये सॉइल इरोजन कर देते, ठीक है। एनिमल्स की भाई देखो गलती भाई उनको क्या सेंस है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं सॉइल में, ठीक है, मतलब घास वास खा रहे, तो उसकी वजह से भी टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, एनिमल्स की वजह से भी होती है, ठीक है। रनिंग वाटर, तो रनिंग वाटर का पढ़ लेते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन इज रनिंग वाटर। देखो तुम्हारा जो रनिंग वाटर है ना वो प्राइम फैक्टर है, तो पूछा है कि मेन क्या रीजन हो सकता है, मान लो एक ही रीजन लिखा, तो रनिंग वाटर लिख देना क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है तुम्हारा, ठीक है। इनडायरेक्टली सॉइल इरोजन हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मिंग बिकॉज फ्रॉम वेयर एवर द सॉइल इज मूव इट इज डिपॉजिटेड एल्सवेयर, हाउएवर इट डिस्टर्ब द एग्रीकल्चर पैटर्न एंड शुड बी प्रिवेंटेड। देखो प्रिवेंट तुम्हें करना होगा, लेकिन तुम्हारे देखो सॉइल अगर इरोजन हो, कहीं से सॉइल रिमूव हो रही है रनिंग वाटर की वजह से, तो वो कहीं पे जाकर डिपॉजिट भी हो रही है, तो तुम्हारा फायदा हो रहा है, लेकिन उससे एग्रीकल्चर पैटर्न में काफी ज्यादा डिफेक्ट आ रहा है, काफी इफेक्ट आता है, तो इसलिए रनिंग वाटर को प्रिवेंट करना भी इस वाले इरोजन को जरूरी है, ठीक है। तो वेज ऑफ सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर देख लेते किस किस वजह से हो सकती है। स्लैश इरोजन क्या होता है, इन दिस सॉइल डिसइंटीग्रेट्स अंडर द इंपैक्ट ऑफ हेवी ड्रॉप्स ऑफ रेन और हेल स्टोन्स एज इन केस ऑफ कन्वेक्शन रेनफॉल। देखो बहुत तेज बारिश हो रही है, ओले ओले गिर रहे हैं, तो सॉइल होती है ना तुम्हारी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसके वजह से टॉप सेल धीरे धीरे होकर रिमूव हो जाती है, ठीक है। शीट इरोजन क्या होता है, इन दिस ड्यू टू हैवी रेन्स अ सरफेस फिल्म ऑफ वाटर कैरीज अवे द इवन सरफेस लेयर ऑफ द टॉप सेल एज इट मूव्स, फॉर एग्जांपल हिमालयन फुटहिल्स एंड द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। देखो बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम यू नो बाढ़ 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 तो नहीं, मतलब मान लो जैसे गली भर जाती है, बोलते हैं ना तुम्हारी कॉलोनी भर गई है पूरी, ठीक है, बारिश की वजह से, तो उसकी वजह से तुम्हारी जो टॉप सेल है वो पूरी लेके चले जा रहे पानी, तो उसकी वजह से भी शीट इरोजन हो रहा है। एंड ये कहाँ कहाँ पे होता है, हिमालयन फुटहिल्स हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, जो पेनिनसुलर इंडिया तुम्हारा उसका नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पे मोस्टली होता है, एंड हिमालयन फुटहिल्स में होता है तुम्हारा मोस्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गली इरोजन और रिल इरोजन, देखो गली इरोजन रिल इरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन द फ्लो ऑफ स्ट्रॉम वाटर फ्लोज विद द फोर्स डाउनहिल डेवलपिंग इनटू अ चैनल फ्लो कटिंग स्टीप साइडेड वैलीज एज इट रन ऑफ। गली चेंज द एग्रीकल्चर लैंड इनटू बैड लैंड वेयर नो कल्टीवेशन पॉसिबल। देखो बेसिकली क्या है ना, तुम्हारा जो गली इरोजन है तो क्या करती है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है ना उसको बैड लैंड में कन्वर्ट कर देती है, जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है भाई, मतलब पॉसिबल ही नहीं, तुम उसमें कुछ भी फर्टिलाइजर कुछ भी डाल दो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा प्राइम एग्जाम्पल है चंबल रवीन, चंबल रवीन तुम्हारा यही हो जाता है, ठीक है, तो ये तुम्हारी जितनी भी होती है ना ये तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड को बैड लैंड में कन्वर्ट कर देती है। ओवर ग्रेजिंग वैसे क्या होता है भाई, वही है कि ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स विंड इरोजन अकर्स एज इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन सॉइल इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू विंड। देखो भाई घास है तो घास ऐसे विंड से एक्सपोज है, घास गायब होगी क्योंकि जानवर ने खा ली, तो भाई तो सॉइल बची टॉप सॉइल की इवन लेवर, फिर उसके बाद जब विंड चली तो तुम्हारी जो टॉप सॉइल की इवन लेवर लेयर है वो भी गायब हो गई, तो फिर हो गया सॉइल इरोजन ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है। नो लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज नाउ सॉइल कंजर्वेशन। तुम्हें भाई गैस कर लेगा भाई इरोजन है तो कंजर्वेशन तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है।
तो देखो सॉइल कंजर्वेशन इज एन एफर्ट मेड बाय मैन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन टू रिटेन द फर्टिलिटी सॉइल। देखो बाय मैन जो क्या एफर्ट्स डालते हैं कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो तो उसको बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इज अवर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। देखो हमारा सबसे मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स सॉइल होता है, ठीक है। मिट्टी नहीं तो भाई काफी दिक्कत होती है, काफी चीजें नहीं बन पाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवर नेशनल इकोनॉमी। देखो नेशनल इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, एज प्रोटेक्टेड सॉइल इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉमन पॉइंट है भाई, अगर सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, चीजें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। तुम्हारी बिल्डिंगें नहीं बन पा रही, कुछ चीजें सीमेंट इवेंट नहीं बन पा रहे, तो दिक्कतें होती है काफी ज्यादा, ठीक है। सेवरल मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सम ऑफ द मेजर्स बाय विच सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड एज फॉलोज। देखो गवर्नमेंट ने भी काफी सारे मेजर्स लिए हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ मेजर्स के बारे में चलो पढ़ लेते हैं। अडॉप्टिंग सस्टेनेटिव फार्मिंग टेक्निक। तो देखो तुम्हारी फार्मिंग टेक्निक्स है ना जिसको सस्टेन कर सकते हो, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, कॉन्ट्रोल बंडिंग होता है, टेरेस फार्मिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द सस्टेनेटिव फार्मिंग टेक्निक्स बाय विच वी कैन कंजर्व सॉइल। तो ये तुम्हारे कुछ टेक्निक्स हैं, इनका नाम याद कर लेना, इनके बारे में तो डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नाम मैं पहले लिखा रहा, पूरे नंबर डाले, कोई नंबर नहीं काटने वाला तुम्हारा, ठीक है। टू चेक ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग के लिए चेक करो कि भाई ज्यादा जानवर घास तो नहीं उड़ा दे रही, कि भाई सॉइल ही सीधे चली जा रही है मिट्टी की वजह से। तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड बाय एनिमल ग्रेजिंग स्पेशली बाय गोट्स एंड शीप शुड बी चेक। सेपरेट ग्रेजिंग ग्राउंड शुड बी प्रोवाइड। देखो थोड़े से अलग ग्राउंड प्रोवाइड करते, छोटे छोटे वहाँ पे घास खा ले, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि भाई वो पूरे फॉरेस्ट की घास खा खा के शीप्स और जो हमारी गोट्स हैं खत्म कर दे एंड सॉइल इरोजन काफी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और देखो एक और मेजर के लिए कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैरेजेस। मोस्ट ऑफ द सॉइल इरोजन बाय फ्लड्स कैन बी चेक बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स और बैरेजेस ओवर सच रिवर्स। दिस विल चेक द स्पीड ऑफ वाटर एंड देयर बाय सेव सॉइल पोल्यूशन। देखो भाई सिंपल सी बात है, रनिंग वाटर प्राइमरी रीजन है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, डैम्स बनाने पड़ेंगे ताकि पानी रुक जाए, बैरेजेस बनाने पड़ेंगे ताकि पानी तुम्हारा रुक जाए, जिसकी वजह से तुम्हारी जो सॉइल है वो शीट इरोजन की वजह से कैरी अवे ना हो जाए, ठीक है। ऐसे याद करो भाई, देखो पानी वैसे क्या हो रहा है तुम्हारा, हो रहा है क्या कहते हैं, रनिंग वाटर वैसे सॉइल इरोजन हो रहा है एंड शीट इरोजन उसी को कहते हैं कि पानी की वजह से बहुत ज्यादा तेज पानी आ रहा है, तो उसकी वजह से सॉइल की टॉप लेयर वो पानी लेके चला गया, ठीक है। एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए भाई ऑब्वियस है, तुम पानी रोकना चाहते हो, तुम डैम्स और बैरेजेस बनाओगे, ऐसे रिलेशन बना के याद करो, सबसे बढ़िया तरीका इन पीपीटी से याद करने का। एंड तुम्हें देखो उतना डिटेल में लिखना भी नहीं जोग्राफी पेपर में, ऑन पॉइंट चीजें इस पीपीटी में दी है, ठीक है। तुम्हारे वाली स्कूल और टीचर थोड़ा सा मेरे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ठीक है, टीचर्स ऑब्वियस मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस होंगी, अगर वो थोड़े से और अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे तो वो लिख सकते हो, लेकिन ओवर मत लिख के आना कि तुम्हारे उतनी जरूरत भी नहीं है, तुम फर्जी में याद करो, अपना टाइम वेस्ट करो, ओवर लिख के आगे जितना इस पीपीटी में उतना भी सफिशियंट, उतना याद करके लिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। एफोरेस्टेशन द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट। इंडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज मस्ट स्टॉप। देखो भाई एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ उगाओ, हरियाली लाओ, ठीक है, उससे ये रहेगा कि क्या कहते हैं, तुम्हारी जो सॉइल से एक्सपोज ही नहीं किसी के, तो वो कोई उड़ाएगा ही नहीं सॉइल को, ठीक है। एंड जो फर्जी में ट्रीज कटते हैं उनको रोकना चाहिए, तभी एफोरेस्टेशन तुम्हारा अच्छे से होगा एंड तुम्हारा सॉइल इरोजन नो प्रिवेंट हो पाएगा, ठीक है। एंड बाय दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ द वीडियो। एंड तुम्हारा सॉइल इश्यूज चैप्टर भी एकदम छोटा सा चैप्टर था, ऑन पॉइंट चीजें थी इस पीपीटी में। देख पीपीटी से पढ़ने का ही फायदा है भाई, तुम लोग स्लाइड से पढ़ रहे हो, तुम्हें ऑन पॉइंट चीजें पढ़नी, तुम्हें फर्जी की अच्छी चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है। एंड अगर तुमने वीडियो अब यहाँ तक देखी है तो अभी अभी जाकर कमेंट लिखो #WTF अश्विन, मैं समझ जाऊंगा तुमने वीडियो आखिरी तक देखी है। एंड भाई थोड़े से अपने दोस्तों से शेयर करो, काफी व्यूज व्यूज आए इस वाली हमारी सीरीज पे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा भाई मैं जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ WTF सीरीज में वो वर्थ इट हो रहे हैं एंड लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं, उससे लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नेक्स्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना अगर तुम्हें इस लाइक से पढ़ने दो, ठीक है। टिल देन हसल आर्ट सिक्योरिटी, बाय बाय।